बात करते हैं, जी हाँ, जो कि सुर्खियों में है और सोने की चमक लगातार बढ़ती जा रही है। सोने की जो चांदी हो रही है, इस पर हम विस्तार से बात करते हैं कि आपने अभी अगर तक निवेश नहीं किया है तो क्या क्या आपसे मौका छूट गया है, या आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि आपके पास और भी मौके आएंगे या नहीं। जी चंद्रशेखर, कमोडिटी एक्सपर्ट, कुणाल शाह, हेड कमोडिटी रिसर्च, निर्मल बंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, और अक्सर समय समय पर आपसे मेरी बातचीत हुई है और आप दोनों का ही कमोबेश यही व्यू रहा है कि हम सोने की चाल में तेज़ी देखेंगे। आप दोनों आए शो पर और आप दोनों ने ये बात हमें समझाई और हमें कही। लेकिन चंद्रशेखर जी, अगर मैं आपके साथ शुरुआत करूं कि अब ये जो तेज़ी हम देख रहे हैं, इसके पीछे जो कारण है वो कितना लंबा सस्टेन करेंगे, वो जो कारण है वो कितने टिकाऊ हैं, अब बात इस पर आके रुकती है। बिल्कुल, हम सब जानते हैं इस जो अभी हमने एक स्पर्ट देखा है भाव में, उसके कारण हम जानते हैं देयर इज सम काइंड ऑफ अ बैंकिंग। यूएस में 3 मिड साइज बैंक्स तो लगभग कोलैप्स हो चुके हैं, और क्रेडिट सुइस इज बीइंग टेकन ओवर बाय यूबीएस एक्सेट्रा। तो इसमें ये जो बैंकिंग सेक्टर का जो अनसर्टेनिटी है, इट इज ऐसा एक माहौल तैयार हो चुका है जिसके वजह से there is a risk of environment and therefore वो gold को काफी support किया है, और gold का भाव ऊपर चला गया है $1,980 तो उसका आसपास जो भी है। तो ये market का nervousness के वजह से gold को बड़ा support मिला है। मगर आप कल देखिए, yesterday यानी कि मंगलवार को market started slowly to correct। आज का भाव में नहीं देखा है अभी तक, क्योंकि आई बीन बिजी इन वेरियस मीटिंग्स, तो मुझे पता नहीं आज क्या हो रहा है मार्केट में। मगर हम ये भी जानते हैं इंडियन मार्केट में 60,000 का ऊपर चला गया था, बट अभी इट इज लेस देन 60,000। बट पॉइंट इज, काफी जो घबराहट थी मार्केट में सोमवार तक, वो कम हो चुका है वो घबराहट, क्योंकि काफी सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड उन्होंने लिक्विडिटी इन्फ्यूजन किया है, और मार्केट को आज का जो FOMC का मीटिंग है उसका क्या निर्णय है उसका इंतजार है। उनका मीटिंग दोपहर को 2:30 बजे है, मगर हमारा रात को यहाँ लगभग इट विल बी अबाउट 1 o'clock फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरा अनुमान है कि ये जो स्पाइक है गोल्ड में, नंबर वन इट इज टेम्पररी, नंबर टू जैसे 25 basis points इंटरेस्ट बढ़ने का संभावना बहुत अच्छा है यूएस में आज रात तक, तो उसका भी हमें असर दिखाई देगा गोल्ड पर, एंड देयरफॉर आई एम एक्चुअली एक्सपेक्टिंग एक करेक्शन गोल्ड में जरूर एक्सपेक्ट इंतजार करना चाहिए, क्योंकि खास करके जो फेड का फॉरवर्ड गाइडेंस क्या आता है, विल इट बी ए हॉकिश गाइडेंस और विल इट बी ए डोविश गाइडेंस, अभी बताना बहुत मुश्किल है। मगर मेरा अनुमान, मेरा मानना है इन्फ्लेशन कंट्रोल इज अ टॉप प्रायोरिटी फॉर द यूएस फेडरल रिजर्व। इतना तो लगातार चेयरमैन साहब बोलते जा रहे हैं, देयरफॉर उनको वहां से वो हटेंगे नहीं, एंड देयरफॉर मेरा अनुमान है गोल्ड प्राइस स्पाइक जो हमने देखा है इट इज टेम्पररी, करेक्शन आना चाहिए। अच्छा चलिए, तो यहाँ पर करेक्शन आएगा आपके मुताबिक, और जैसा कि हम सब जानते ही हैं जो पॉलिसी अनाउंसमेंट होने वाली है उसमें क्या कमेंट्री रहेगी वो काफ़ी अहम है सभी के लिए समझना। कुणाल, बिटवीन द लाइंस आप क्या रीड कर पा रहे हैं, आप क्या लेवल्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कि आपको भी लगता है कि जो तेज़ी हम देख रहे हैं वो टेम्प्ररी है, और किस तरह के कॉमेंट पर किस तरह से सोना रिएक्ट करेगा, आप क्या आकलन कर पा रहे हैं, ज़रा बताएं। मेरी राय में ओवरऑल जो फेडरल रिजर्व की ओर से जो कमेंट आएगी वो कमेंट में कोई भी मेजर एग्रेसिव हॉकिशनेस नहीं दिखने वाला है, क्योंकि अभी आप देखेंगे लास्ट 1-1.5 महीने में नेचुरल गैस, बहुत सारी कमोडिटी के प्राइस नीचे आ गए। सो आई बिलीव ये 0.25 basis points के बाद शायद रेट कट आएगा ही नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत टाइट हो गई है यूएस में, बहुत एग्रेसिवली रेट बढ़ चुके हैं। सो मैं एक छोटा सा मोमेंटरी डिप देख रहा हूँ गोल्ड में टूवर्ड्स $1,900, वहां से गोल्ड ऊपर चला जाएगा। सो मे बी आफ्टर द रेट हाइक डिसीजन वी विल सी गोल्ड अगेन यू नो शोइंग सम वीकनेस,
और बाद में ऊपर चला जाएगा। सो मेरा ध्यान तेजी है, मुझे लगता है जून जुलाई अगस्त महीने तक गोल्ड 2100-2150 टेस्ट करेगा कॉमिक्स पे, और इंडिया में 61,000-61,500 टेस्ट करने वाला है। सो छोटा मोटा फॉल, उसका रीजन मेन एक ही है कि ये जो पेस में टाइटनिंग हुआ है दैट इज नॉट सस्टेनेबल गोइंग फॉरवर्ड। सेंट्रल बैंक्स विल हैव टू बी लिटल सॉफ्ट, क्योंकि द टाइटर फाइनेंशियल कंडीशन विल डू डैमेज इन सम ऑर द अदर सेक्टर, मे बी बैंकिंग, मे बी हाउसिंग, मे बी एनी अदर सेक्टर्स, यू डोंट नो, बिकॉज इतना स्टीप रेट हाइक हमने हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में कभी भी नहीं देखा है। सो नाउ आई एम ऑफ द व्यू, जो बॉन्ड मार्केट इंडिकेट कर रहा है दैट इज इंडिकेटिंग दैट बाई डिसंबर देर विल बी 25 बेसिस पॉइंट ऑफ रेट कट। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन गोल्ड, एंड कोई भी डीप आता है 58,000-57,500, ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑन इंडियन प्लेटफॉर्म। चलिए, तो यहाँ पर अगर कमजोरी थोड़ी सी भी आती हुई दिखाई देती है तो खरीदारी का मौका है सोने में, ये कुणाल कह रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा करेंसी प्ले को भी समझना बहुत जरूरी होगा चंद्रशेखर जी, घरेलू फ्रंट पर ये बताएं हमें कितना अहम हो जाएगा करेंसी को ट्रैक करना और उसके प्ले को देखना, कैसे प्ले आउट होगी सोने की कहानी घरेलू फ्रंट पर। बिल्कुल, मैं डॉलर में काफी बुलिश हूँ, डॉलर इतना जल्दी कमजोर होने वाला नहीं है। इफ एनीथिंग डॉलर का एक अच्छा अपसाइड रिस्क मैं देख रहा हूँ, जैसे डॉलर मजबूत है अभी भी और मजबूत रहेगा आगे जाकर के एटलीस्ट फॉर 2 more quarters, तो उसका दबाव हमें दिखेगा हमारा रुपया का ऊपर। देयरफॉर आई डोंट एक्सपेक्ट द रुपी टू स्ट्रेंथन, मगर एक पॉज आएगा, रेट हाइक में एक पॉज आएगा, और मैं ये भी मानता हूँ कि मई महीने में और एक रेट हाइक यूएस फेड का संभावना है, वी कैन नॉट रूल इट आउट, मई में आ सकता है और मैं मानता हूं कि लगभग आ जाएगा। ओके, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी काबू में नहीं है इन द यूएस, नॉट विद स्टैंडिंग ग्रोथ प्रॉब्लम्स। उनका स्टैंड काफी क्लियर है कि इवन इफ इट गोइंग टू हर्ट ग्रोथ, वी वॉन्ट टू टेम इन्फ्लेशन, ये उनका लगातार वो बोलते आ रहे हैं। तो और एक रेट आज का जो भी निर्णय आएगा उसका बाद मई महीने में भी मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज, एक 25 बीपी का एक आ सकता है, मगर second half of the year there will be a pause, and as Kunal said, yes, I also expect, hum pehle bhi kar chuke hain ki there will be at least one rate cut towards the end of the year, kyunki tab tak US economy recession ke aur bada hoga, aur recession to zarur severe nahi hona chahiye, it will be a mild recession, it could even be a technical recession, magar recession aane ka sambhavna hai, aur iske wajah se to arrest it एक रेट कट का संभावना है, जिसके वजह से गोल्ड को एक बड़ा उछाल मिलेगा। चलिए, अब मैं चाहती हूँ कि हम थोड़े से सिनेरियोज यहाँ पे कंसिडर करें, क्योंकि बीते कुछ दिनों में कुणाल हमने इतनी सारी गतिविधियाँ होती हुई देखी हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात कर रही हूँ क्लियरली, कि अब बहुत अनिश्चितता का माहौल है। अब जो हम बैंकिंग संकट की बात कर रहे हैं, बहुत रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ये यहाँ पर थमने वाला नहीं है, ये हो सकता है बढ़े भी। तो अब अगर ऐसा होता है तो सोने में हम किस तरह का उछाल देखते हैं, और ये जो आप उछाल की बात कर रहे हैं, क्या ये उस वक्त भी एक टेम्प्रेरी ही उछाल होगा, या उसके बाद हम कह सकते हैं कि सोना एक बुल रन में आ ही गया है, क्योंकि अनिश्चितता जो है वो बस तेजी से बढ़ ही रही है, क्या कहेंगे? सी, ये जो गोल्ड का जो बुल रन है, दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म बुल रन, गोल्ड इज अ, मैं आपके शो में लगातार 2 साल से कह रहा हूं और आज भी वर्ड यूज कर रहा हूं, गोल्ड इज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। अगर आपका फाइनेंशियल मार्केट में कोई भी एक्सपोजर है, इक्विटी है या रियल एस्टेट है या बॉन्ड्स है, सभी इन्वेस्टमेंट का मदर ऑफ उनका जो हेज है वो गोल्ड है, क्योंकि अभी आपने जस्ट देखा ये जो बैंकिंग क्राइसिस आई, सभी चीज डाउन, ओनली गोल्ड अप। सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड, ऐसे चांसेस ऑफ एक्सीडेंट इफ फेडरल रिजर्व एंड ईसीबी कंटिन्यू टू रिमेन एग्रेसिव, तो ऐसे कोई ना कोई एक्सीडेंट होते रहेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आप समझिए, अगर आप 0 से 5% इंटरेस्ट रेट इन अ मैटर ऑफ 8 to 9 months पे बढ़ा देते हो, सो हाउ द इकोनॉमी इज गोइंग टू सस्टेन। ये जो इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी, 2008 के बाद हमको सबको इजी मॉनेटरी पॉलिसी में जीने की हैबिट है, थोड़ा सा भी चीज खराब होता है फेडरल रिजर्व प्रिंटिंग कर देते हैं या ईसीबी प्रिंटिंग करता है या बैंक ऑफ जापान ने तो अभी तक प्रिंटिंग बंद ही नहीं किया है। सो आप समझिए, हम आर्टिफिशियल फिक्टिशियस वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां पे करेंसी की वैल्यू डे बाय डे कम होती जा रही है। सो
करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, कल उठ के लेटेस्ट से यूएस ने फिर से प्रिंट किया, तो डॉलर इंडेक्स क्या हो जाएगा, 90, 85, यू डोंट नो. सो एट दैट टाइम व्हाट विल अप्रिशिएट, गोल्ड विल शूट अप लाइक एनीथिंग. सो आज की तारीख में गोल्ड को आपको स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए. मुझे गोल्ड में कोई मंदी नहीं नजर आ रही. और मैं आपको एक सबसे बड़ा पॉइंट हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, गोल्ड, हु इज द बिगेस्ट बायर ऑफ गोल्ड, सेंट्रल बैंक देमसेल्फ. सेंट्रल बैंक हैव बॉट मोर देन 1300-1400 टन ऑफ गोल्ड इन अ स्पैन ऑफ 13-14 मंथ्स. 14 मंथ में 1300 से 1400 किलो गोल्ड तो सिर्फ सेंट्रल बैंक ने लिया है टन. सो जस्ट इमेजिन जो 4500 टन का गोल्ड का मार्केट है उसमें से 1400 टन तो सेंट्रल बैंक लेती है, और जो पहले लेती थी अराउंड 400 टन 500 टन, तो सेंट्रल बैंक खुद ही बाई कर रहे हैं. उनको खुद को मालूम है कि प्रॉब्लम कितना बड़ा है. रेट कट करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, रेट कट नहीं करेंगे तो कोई ना कोई बैंक डिफॉल्ट होगा. तो आपको बचाने वाला है कौन ऐसे टाइम में, गोल्ड. सो गोल्ड में कोई मंदी वंदी दिमाग में से निकाल देना, शॉर्ट करना, आपने समझो $2000 में शॉर्ट किया और आपको 1940 में मिल गया, यू शुड नॉट बी हैप्पी. यू शुड फाइंड एन अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग इन गोल्ड. सो गोल्ड 1-2 साल 3 साल मुझे तो तेजी लग रहा है. गोल्ड में कोई मंदी नहीं है, छोटे मोटे फॉल $100-200 के आते रहेंगे. गोल्ड के प्राइसेस बहुत ऊपर जाने वाले हैं. तो मैं कुणाल आखिरी सवाल आपसे यही पूछूंगी बाद में कि क्या लेवल्स आप रेकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर खरीदारी करनी है तो लेवल्स भी जाना जरूरी होगा. लेकिन चंद्रशेखर सर आप हाथ उठा रहे थे, बताइए आप कोई पॉइंट बताना चाहते हैं. जी का ये सवाल था कि आप सुन रहे हैं कि ये जो बैंकिंग क्राइसिस है इतना जल्दी थमने वाला नहीं, देयर कुड बी मोर सच प्रॉब्लम्स. मेरा अनुमान में, माय अंडरस्टैंडिंग, इससे ज्यादा कोई बड़ा क्राइसिस आने का संभावना नहीं है, क्योंकि आफ्टर दी 2008-9-10 वाला ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को हमने देखा है, कमेंट्रीज लिखा है उसमें, दिस करंट बैंकिंग क्राइसिस उतना सीरियस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इतना सीरियस नहीं है. दिस इज नंबर वन. 15 साल में रेगुलेटरी ओवरसाइट है, जो बैंकिंग रेगुलेटरी ओवरसाइट काफी मजबूत हो चुका है. तीसरा है बैंक का स्ट्रेस टेस्ट जो है सभी जगह में बहुत बढ़िया, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस टेस्ट चलता है बैंक का. तो इसके वजह से इट इज इजी फॉर सेंट्रल बैंक्स टू आइडेंटिफाई कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है. आप SVB का देखिए, इट इज मोर ऑफ द रिजल्ट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, एंड देयर इज अ डिक्लाइन इन द बॉन्ड वैल्यू. इसके वजह से देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सॉल्वेंसी. ओके, और सभी बैंक लगभग फेयरली वेल कैपिटलाइज्ड. तो इसके वजह से मैं नहीं मानता हूं कि ये जो बैंकिंग क्राइसिस हमने देखा है पिछले 15-20 दिन में कि ये जारी रहेगा या और भी नए बैंक्स विल आल्सो स्टार्ट फेसिंग प्रॉब्लम. मैं नहीं मानता हूं, एंड आई होप दैट आई एम प्रूव्ड राइट. दिस इज नंबर वन. नंबर टू, जब हम गोल्ड का इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, इन माई व्यू इट इज we should always look at a shorter horizon for gold investment, primarily because gold should be traded continuously. It is unlike a share of a company. You buy those shares and keep it in the demat account, and after 2 years you sell it, etc. But as gold, we should continuously rotate. This is the second point, and therefore we should look at short term, 1 month, 2 months, 3 months maximum, or 6 months. Outside limit is 6 months and not beyond. If gold is going to go up in 2025, I don't think I should be investing there in gold today. Now, this is my view. But aur ek dekhe, central bank. Pichle saal central bank sabhi mil karke 1400 ton ka khareedi kiya hai. Is saal OE level ka khareedi nahi hoga. It will be far less than 1400 tons of central bank purchase in my view. On the other hand, aap dekhe physical demand. फिजिकल डिमांड हमारा भारतवर्ष और चीन जैसे देशों में काफी कमजोर है. हार्डली एनी ग्रोथ इन फिजिकल डिमांड. फॉर हमें वी शुड नॉट ओनली बी लुकिंग एट इन्वेस्टमेंट डिमांड बट ऑल्सो फिजिकल डिमांड. देयरफॉर व्हेन वी पुट ऑल दिस टुगेदर, गोल्ड का भाव जरूर बढ़ेगा, देयर इज नो डाउट एट ऑल. द क्वेश्चन इज इन द शॉर्ट टर्म. अभी हम वी आर टूवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च अप्रैल मई जून मई महीने में और एक हाइक मैं एक्सपेक्ट करता हूं, तो इट विल एक दायरे में रहेगा. सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, जैसे मैं
तीन महीना पहले भी बताया था, सेकेंड हाफ ऑफ 2023 जरूर भाव बढ़ने का संभावना। चलिए, तो उसी अंतराल के लिए या उसी समय के लिए कुणाल, आप क्या रणनीति आप सजेस्ट कर रहे हैं, क्या लेवल्स आप बता रहे हैं, मौजूदा स्तर पर क्या पैसे लगाने चाहिए या थोड़ा सा इंतजार कर लें, बताएं। मेरी राय में 58,000 के लेवल्स, 57,000 के बीच में आपको पैसे लगाने चाहिए, शायद 55,000 आएगा ही नहीं ऐसा लग रहा है। मैं गोल्ड को स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड में ये जो इतने पैसे छपे हैं वो कभी, ये बैलेंस शीट कभी अनवाइंड होने वाली नहीं है। आज 2008 में फेड की बैलेंस शीट 1 ट्रिलियन की थी, आज की तारीख में 8.7 ट्रिलियन डॉलर की है। सो ये जो डेट है कभी रीपे नहीं होने वाली है। आगे जाके क्या होने वाला है वो किसी को मालूम नहीं है, एंड दैट्स वाई मैं स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन देता हूँ, गोल्ड इज शुड बी केप्ट एज एन इन्वेस्टमेंट। यू सी हूएवर हैज इन्वेस्टेड गोल्ड फ्रॉम लास्ट 4, 5, 6, 7, 8 years, they have made 8-10% CAGR return conservatively. So there are years when you got 16% return. So मुझे लग रहा है आप 58-57 के बीच में लोगे तो आपको ये साल 61,500 perhaps 62,000 इतना तो आपको conservatively देखने मिलेगा, next साल शायद 65-66,000। So overall gold में ध्यान बहुत तेजी का है। चलिए, जितना मुमकिन हो सका यहाँ पर दर्शकों की समझाइश के लिए हमने बहुत ही अहम मुद्दों पर बात की है, और फिलहाल दर्शकों का मार्गदर्शन जो आप लोगों ने किया है सोने को लेकर, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी समझाइश के लिए, तमाम टिप्स के लिए।